आय बोवान सुबह दावसा मगे आदरणीय दोला पुताला सेव देना आटे और नादर सुरंग टीचर गलांटे केला देना हाँ दाने देमल बासीन कोहो मदे अपिक ऐना थोरो तुरु सफ़े अन्य सहा अपिक आगे नहारी एक है ना आगे ना थोरो तुरु विमसान ने किये ने क्या ना तमा केला देना हाँ दाने उते मेक तूना हतरा पहाशे ने दोला पुताला हेमोट में वैदगत से ना पार्ट मा उगते शिष्यत्व विभागे दी तो गलो दारनो अगलांटे देमले विषय ता मोने देन्ना सीखते वेनो ऐनिसा देमले विषय हरुनो इगन गयने में बड़ा क वैदगत से ना इतिम बाला ना तमा पिलिबाद थोड़ा तुरु प्रकाश की में तमा अदापे प्रधान मातृकाव वेने इतिम बाला ना कुते इके मुलिम पलवेनी आदि में तीनों प्रश्न बाला ना उंगल पेर एन्न उंगल पेर एन्न एक याने ओबे नमक कुमाक द उंगल पेर एन्न याने ओबे नमक कुमाक द किए ने तो कोको मतलब पुत्र देंगे आपे मेक इट फिलिटुरु साफ़ याने सामाने आपे सिंहले इंगे हुआ हम वो आगे नमक मुकाद द ओबे नमक कुमाक द किए लापे किया ने मागे नमक किए ला हमांगे नमक किए ना माने ना ये भी दिया था देमले आपे फिलिटुरु देंगे पुते एनदु पेर सादीश मीटियर नाम है आगे नाम है सादीश तो कोटे याद कर देनो आ एनदु पेर सादीश तो कोटे उन्ना प्रश्न तीनों में पेर किए ना वाचने फिलिटुरे तीनों तो कोटे गलत आनो आ दे वाचने तेरो म उंगल किया ने ओबगे पेर किया ने पुते नाम एन्न किया ने कुमाद ओबगे नाम कुमाद आपे फिलिटुरे देनो एनदु किया ने मागे एनदु किया ने मागे मगे नाम सदीश इनदु पेर सदीश इनरु इनदु पेर सदीश राइट अभी बालमु देवनी प्रश्न उंगल ऊर एदु उंगल ऊर एदु एक यानी ओबगे गाम कोहेद ओबगे गाम कोहेद कोहमद आप इगर उत्तर देने आप इधर ना मगे किया ने कट आप किया ने इनदु किया ने पालन प्रश्न उत्तर देते आप मगे किया ला क्यों हुआ एक वे को हम दे इन्नदु कियला इन्नदु ऊर कुरुनेगला इन्नदु ऊर कुरुनेगला एक याने मागे गामर कुरुनेगला एक किला को हम दे क्या याने इन्नदु ऊर कुरुनेगला ऊर क्या याने पुते गामर गामर तो तमाय ने मलबासी ऊर कियला किया बालान्ना इन्हाँ का प्रश्ने उंगल वायदु इत्तने उंगल वायदु इत्तने एक याने ओबगे वायसा कोपर मने द ओबगे वायसा कोपर मने द कोको मदा आप इसको तरह देखने एनदु वायदु एक्टु एनदु वायदु एक्टु मगे वायसा आउटु अट्टाई को मुंके अनु वायसा अट्टाई एनदु वायदु एक्टु पहले लेने तो पोते द उंगल पैर एन्ना एनदु पैर सादीश ओबे नामक कुमाक द मगे नामक सादीश देवनी प्रश्न उंगल ऊर एदु एनद ऊर कुरुनेगल ओबे गम कोहेद मगे गम कुरुनेगल उंगल वायदु एत्तने एनद वायदु एत्त एत्तु ओबे वायस कोपमनद मगे वायस अवदु अट्टाई केना पिलितु දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද පුතේ අනිත් එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න දෙමළ බසින් අපි දෙමළ බස සිංහලෙන් ලියන විදිහට මෙහෙම ලියද්දි උංගල් කියලා ලියද්දි අපි ලියන්න ඕනේ මේල අකුරු දැක්ක අන්න ඒ වගේ තැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ දෙමළ බස ඉගෙන ගැනීමේදී ඉතින් තවත් මේ වගේම පාඩමකින් අපි නැවත හමු වෙනතුරු සුබ දවසක් ආදරණීය දුවලා පුතාලා සියලු දෙනාට